छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील द्वारा राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन माना स्थित चौथी वाहिनी के शूटिंग रेंज में किया गया, जहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट के अध्यक्ष प्रदीप टंडन द्वारा विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। शूटिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने पिस्टल शूटिंग में हाथ भी आजमाया। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील पावर प्लांट की तरफ से राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और जिंदल स्टील के प्रेसिडेंट प्रदीप टंडन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने पिस्टल शूटिंग में हाथ आजमाया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में माना कैंप के चौथी बटालियन के शूटिंग रेंज में आयोजित शूटिंग स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शूटिंग स्पर्धा के समापन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सभी को मेडल देकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ फोटो शूट करवाया। इससे पहले महासचिव होरा ने पिस्टल से मंजे हुए निशानेबाज की तरह शूटिंग की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील ने राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता कराकर सबको अवसर दिया है, वे सभी को बधाई देते हैं। देखिए, जिंदल ग्रुप और छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जो राइफल्स की टीम है, स्टेट की टीम है, उसमें 88 लोगों ने क्वालिफाई किया डबल। मैं हमेशा कहता हूँ छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, पर खेल की संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको तराशा नहीं जा सकता, और जिंदल ग्रुप बहुत अच्छे से इन खिलाड़ियों को तराश रहा है। शूटिंग जबकि बहुत लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी धमक इसी कारण है कि जिंदल ग्रुप ने इसको गोद में लिया है। और हमारे प्रदीप टंडन जी जो हैं वो शुरू से खिलाड़ी भावना से हॉकी हो, टेनिस हो, सब जगह वो सहयोग करते हैं, और आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इस अवसर पे माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानूंगा। उन्होंने शूटिंग एकेडमी और टेनिस एकेडमी दोनों की घोषणा की है। 5 एकेडमी खोली जा रही है जिसमें एक शूटिंग भी है, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की है। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट के प्रेसिडेंट प्रदीप टंडन ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि 2002 से जिंदल स्टील द्वारा ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, इससे सबको बेहतर मौका भी मिल रहा है। बहुत हर्ष की बात है, और सभी विजेताओं को और पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पिछले वर्ष के तुलना में इस बार जस्ट डबल 88 शूटर्स ने क्वालिफाई किया है, और वो जीवी मावलंकर प्रतियोगिता में जाएंगे जो 18 तारीख से शुरू हो रही है। और हमारा यही प्रयास रहेगा हमेशा जिंदल स्टील का कि प्रायोजक के तौर पर बेस्ट सुविधाएं दे सकें। अभी श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से और उनके उत्साह की वजह से हमें एक नई शूटिंग रेंज बनाने की, एकेडमी बनाने की नया रायपुर में जगह दी गई है, जो गवर्नमेंट ने दी है, और हम उसको उनके सहयोग के साथ और ओलंपिक स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर उसको। बहरहाल सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत अतिथियों द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।